और देश के अंदर भी वही हो रहा है, महिला नेता को स्वीकार नहीं कर रहा। और ये मुझे लग रहा है ये जो आज दिख रहा है हमें, जो दिख रहा है ना फॉलडाउन, ये भी इसी का एक नतीजा है कि अरे हम कैसे मानेंगे, उनका आदेश मानना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी होगा, आदेश कुछ और होगा, काम कुछ और होगा, ये चीजें भी होती है। और ये छोटे हम जो लोकल क्षेत्र में देखते हैं वहां पर भी होता है। बहुजन समाज पार्टी है, नेता आपकी महिला है, लेकिन वहीं पर जब महिला काम करेगी तो वहीं जो लोग हैं सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं वही लोग पचा नहीं पाते हैं कि कोई महिला नेता, अरे अब महिला नेता के नीचे सेक्टर बनाना है, बूथ बनाना है, महिला नेता। तो आपके जो बीएसपी की जो मेन लीडर है वो तो वो भी फीमेल ही है ना, वो भी फीमेल है, लेकिन फिर भी ये चीजें होती है। तो इसका जैसे अम्बेडकराइट भी कहते हैं, जैसे कि जो पुरुष प्रधान संस्कृति जो कह रहे हैं देश में, लेकिन जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहता है, तो मेरे अनुभव तो ऐसे है कि जो अपने आप को ज्यादा अम्बेडकराइट कहता है या फिर ये मानता है, वो सबसे ज्यादा महिलाओं को जो है सार्वजनिक जीवन में आने से रोकता है, सामाजिक जीवन में आने से रोकता है। मतलब वो चाहता है, मतलब वो बताता है अपने बातों में, मतलब बखान करेगा कि महिला सशक्तिकरण की बखान होगी, महिला को ताकतवर बनाने की बखान होगी, लेकिन जब उसकी बारी आती है, उसकी बेटी की बारी आती है या उसकी बहन की बारी आती है, उसकी पत्नी की बारी आती है, तो वो जो है वो जो अपने कदम पीछे ले लेता है। और कठिन काम होता है, और अगर वो फीमेल जर्नलिज्म कर रही है तो उसको बहुत ही ज्यादा ट्रोल भी किया जाता है और परेशान भी किया जाता है। ये मेरे लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, जब मीना कोटवाल जी से मैं बात कर रहा था उनके घर पर जाकर, तो मैं आपको स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जब ये ट्रोलिंग होती है तो डिप्रेशन सा फील नहीं होता, मतलब ऐसा ही लगता है कि यार सब छोड़ छाड़ के बंद कर दूं मैं। डिप्रेशन हुआ था, बहुत हुआ था आपको? अभी नहीं, ट्रोलिंग पर नहीं हुआ था। मैं बता रही हूँ, जब मैं एक इंटरनेशनल मीडिया में थी तब भी वो एक ट्रोलिंग ही थी कि आपको नाम ले सकते हो। बीबीसी में थी मैं, बहुत लोगों को पता है यहाँ पे, तो वहाँ पर भी कुछ ट्रोलिंग ही थी कि आपको आपको काम नहीं आता, आपको सोशल मीडिया में बदनाम किया जाएगा। तो वो मेरे लिए एकदम नया था और इतना डिप्रेशन हुआ था कि सुसाइड करने की भी सोची थी मैंने। तो वो सारी चीजें वो भी ट्रोलिंग ही थी। जैसे अभी बता भी रही थी कि भूमिका कैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में होता है, अगर आप कोई दलित पहुंच जाता है, क्योंकि एक ही तरह के लोग हैं वहां पे, सवर्ण ही है, एक तरह के लोग हैं, एक ही तरह का काम आ रहा है, उसके बीच में अगर आप पहुंच जाते हैं तो वो आपको ट्रोल ही करते हैं एक तरह से, ठीक है। तो वो वाला डिप्रेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपना शुरू किया और अपना शुरू करने के बाद भी ट्रोलिंग नहीं रुकी, उसमें भी ट्रोल किया मुझे। और दुख तब होता है जब अपने ही लोग आपको ट्रोल करते हैं, बहुत दुख होता है उसमें। अगर आपको कोई शिकायत है, अगर आपको कुछ कहना है, तो आप मेरे पास मेरा कॉल नंबर जो है पब्लिक हो रखा है, मेरा फोन नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी है, मेरे सारे सोशल मीडिया के इनबॉक्स डीएम सब खुले हैं, आप मुझे बोल सकते हैं उसमें अगर कोई दिक्कत है। लेकिन नहीं, उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल करना है, मीना कोटवाल ने ये किया है तो इसको छोड़ा कैसे जाएगा। तो एक तो वैसे ही महिला पत्रकार है ही नहीं, खासकर जो दलित बैकग्राउंड से आती है, जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आती है, वो तो है ही नहीं। ऊपर से अगर वो कुछ काम करने की कोशिश कर रही है तो उसमें भी एक तरफ के लोग तो ट्रोल कर ही रहे, हम तो उनसे शिकायत ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमें उनसे उम्मीद भी नहीं है कि वो हमारा जो है बचाव करेंगे, हम तो उनसे उम्मीद नहीं कर रहे, हम उम्मीद कर रहे हैं अपने ही लोगों से। लेकिन अपने लोग भी क्या कर रहे हैं कि हमें ट्रोल कर रहे हैं, और उसमें बड़ा दुख होता है। लेकिन अब वो भी नहीं होता, मैंने वो दुख करना भी छोड़ दिया, क्योंकि बहुत पीछे छोड़ गए। और अपने लोग बहुत सारे, कई सारे लोग तो यहाँ पर भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने भी मुझे ट्रोल किया, ठीक है। और अभी आप जब यहाँ पर आए, उनसे बातचीत नहीं हुई, उनसे पूछा नहीं आपने? बातचीत हुई, लेकिन इस बारे में मैंने कोई बातचीत छेड़ी भी नहीं, सब लोग जानते हैं कौन है कौन नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनमें, ठीक है। नहीं, एक्चुअली ये जो गैदरिंग थी इसीलिए थी कि सब आपस में प्यार मोहब्बत बने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे हमसे बात किया जाएगा हम वैसे करेंगे, प्यार से बात करेंगे तो प्यार से बात करेंगे, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, जयराम जी की। तो ऐसा ही है, तो उसमें दुख भी होता है, लेकिन अब ट्रोलर से मुझे डर नहीं लगता, मुझे लग रहा है एकदम मैं सही दिशा में जा रही हूँ, इसलिए ट्रोल कर रहे हैं। और अब जब ट्रोल नहीं करते ना, तो मुझे लगता है मैं सही काम नहीं कर रही, फिर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो ठीक है, आप ट्रोल करते रहिए, मुझे ताकत मिलती है। हमारे साथ इंजीनियर स्नेहा है, और मैं ना इनको काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, और मुझे अभी पता चला कि आप आवाज इंडिया में भी काम कर रहे हैं। कब से कर रहे थे आवाज इंडिया में काम? आवाज इंडिया में मैं 2016 में मैंने काम किया, महाराष्ट्र में नागपुर में मेन ऑफिस है आवाज इंडिया का, उसके बाद मुंबई में खुला था, तो मैं नागपुर में मैंने ज्वाइन किया। जस्ट मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ था और रिजल्ट पेंडिंग पड़ा था, तो उस टाइम पे वैकेंसी मिली थी, तो मुझे लगा कि क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट थे और कुछ अटैचमेंट भी था सोशल मूवमेंट से, तो मुझे लगा कि चैनल के इससे हम लोग शायद समाज तक पहुँच सकते।
आता है ठीक से, तो मैंने आवाज़ इंडिया ज्वाइन की और काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिला, मतलब जो केजी और जो है सीनियर केजी जूनियर केजी सारी चीज़ें जो आवाज़ इंडिया ने सिखाई है, उसके बाद जाकर आज हम खुद का जान खोल लिया था। ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला कि ना आपने हमारे से सीख कर और आपने ही खोल लिया बिजनेस, नहीं वो सर ने मुझे, मैं ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं। हां सर, मैं नाम लेना चाहूंगी अमल सर का, उन्होंने मुझे कन्विंस भी किया था क्योंकि मैं पॉलिटिकल मूवमेंट में काम करती थी और बहुजन समाज पार्टी की मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। अच्छा, उसके पहले मैं युवा विंग संभालती थी, तो इस वजह से मैंने सर को छुट्टी के लिए कहा था, तो सर ने मुझे कहा कि आप मतलब इलेक्शन के लिए आप छुट्टी ले रहे हो तो आप ज्यादा दिन का ना लो, दो चार दिन का लो, वापस आ जाओ काम पर। तो मैंने कहा कि सर इलेक्शन है और जिम्मेदारी रहेगी, तो मैंने 15-20 दिन की छुट्टी बोली थी। सर ने कहा कि देखो आपको मीडिया में ही आपका करियर है और भले आप इंजीनियर हैं लेकिन आपको मीडिया में ही करियर बनाना चाहिए, तो आप मत जाओ। तो लेकिन फिर भी मैं सर की बात काट कर मैं निकल गई, और हालांकि हमने कॉर्पोरेटर्स भी जिताया साथ, लेकिन उसके बाद वापस जो हमारी जिंदगी शुरू हुई शादी होने के बाद, फिर लेक्चरशिप में गई, मतलब इंजीनियरिंग में ही सोचा मैंने करियर करने का, लेकिन बाद में वापसी जो मेरी मीडिया से हुई तो मुझे अभी भी जो है अमन सर की बातें याद आती है, और वही जो टर्निंग पॉइंट रहा होगा कि उनका भी यही मानना था कि हमारा करियर जो है वो भले ही मैंने इंजीनियरिंग किया होगा लेकिन मेरा करियर शायद पत्रकारिता में हो सकता है, ऐसा उन्होंने शायद भविष्य में देख लिया होगा ये कह सकते हैं, मतलब फॉरकास्टिंग उनका अच्छा रहा होगा और वापस हम वही उसी से शुरू करते हैं। आपको ट्रोल किया जाता है? नहीं, अब तक तो मुझे कभी ट्रोल तो नहीं किया गया, लेकिन काफी दिक्कतें होती है क्योंकि हम उस सिस्टम से आते हैं जो कहता है कि नारी ताड़न की अधिकारी, नारी नरक का द्वार, या फिर ये कहा जाता है कि नारी को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, वो आजाद नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा किसी ना किसी के, अरे विश्वकर्मिया इस तरह का बोला जाता है, बोला जाता है विश्वकर्मिया है, हाँ मुझे बोला जाता है मैं विश्वकर्मिया हूँ और मैं विधवा विलाप कर रही हूँ, इस तरह की चीजें मुझे बोलते हैं और वो अपने ही लोग कहते हैं मुझे, मतलब उन लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि आप बाबा साहब को फॉलो कर रहे हैं, बाबा साहब हमेशा महिलाओं को बढ़ाते हैं, ठीक है आप बढ़ाना तो दूर की बात, आप उन पर ही जो है इस तरह के शब्द जो है उन पर मढ़ रहे हैं, तो आप कौन से अंबेडकराइट हैं? इस तरह का अंबेडकराइट को नहीं बाबा साहब चाहते होंगे, वो नहीं चाहते होंगे कि मेरा नाम इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि महिलाओं को ट्रोल किया जाए, आप बढ़ाने की जगह और उनको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें महिलाओं के साथ होती है। मैं बेटी को लेके घूमती हूँ यहाँ पे, बहुत लोगों ने देखा भी होगा मेरी बेटी मेरे बिना नहीं रहती, उसमें भी ट्रोल करते हैं कि देखो सिंपैथी पाने के लिए अपनी बेटी को लेके घूमती है, लोगों को नहीं पता है तो जो चीज सामने आया ऊपर आपको ट्रोल किया गया, वो ट्रोल करते हैं, तो भाई अगर मैं बेटी को नहीं ले जाऊंगी तब भी मुझे ट्रोल किया जाएगा कि देखो कैसी माँ है अपनी बेटी को छोड़ के काम की पड़ी है इसको, ठीक है अगर लेकर जाती है तो भी ट्रोल किया जाता है कि देखो सिंपैथी पाने के लिए बेटी को ले लेके घूमती है, तो हमें तो दोनों ही हालतों में जो है ट्रोल किया जाएगा, तो ऐसे में भाई मुझे काम करना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बैठ के खाने का, हम लोग क्या कहते हैं काम करने निकले हैं और उस विचारधारा को बढ़ाने निकले हैं, तो आप ट्रोल करते रहिए और क्या करेंगे आप, करने ये मनुवाद है जो इनविजिबल तरीके से हमारे भी लोगों में है, हम हमेशा बात करते हैं कि मनुवादी वो लोग हैं जो इस देश के अंदर मार्जिनल जो पीपल है उनको मुख्यधारा में नहीं आने देना चाहते, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे नौकरियों में हो, राजनीति में हो या मीडिया में हो, लेकिन कुछ लोग हमारे भी बीच में रहते हैं लेकिन उनकी जो मेंटेलिटी हम कह सकते हैं उनकी जो सोच है उस पर आज भी मनु सिस्टम जो है वो कायम है, इस पर काम करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि सोच जो बनती है उस सोच से हमेशा जो सोच से ही ताकत मिलती है, लेकिन अगर वो सोच मनु सिस्टम से बनी हुई रहेगी तो हर समय में दिक्कत होगी, और ये महिलाओं को ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है, पुरुषों को भी होगी, जो जो समतामूलक समाज की बात करेगा उसको भी दिक्कत होगी। तो भूमिका आपको कभी ऐसे ट्रोल किया गया है किसी टॉपिक को लेकर, या इंटरनेशनली कोई ट्रोल करता है क्या? अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती हो तो आप वैसे ही खराब हो क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट का ही अभी तो मतलब रेपुटेशन अच्छा नहीं है उसका, नहीं मतलब इंटरनेशनली कि तुम एंटी इंडिया चीजें बोल रहे हो, तुम एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हो और ये सब, लेकिन आई थिंक कपल ऑफ पॉइंट जो मुझे लगता है दोनों से मैं 110% सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं ऐड करना चाहूंगी कि मुझे भी लगता है कि इंटरनली भी हमारी कम्युनिटी को और मेहनत करने की जरूरत है, स्पेशली मैन ऑफ द कम्युनिटी, क्योंकि वो मतलब पेट्रियार्की निकल आती है और वो रियलाइज भी नहीं करते हैं
तो वो चीज है। अदरवाइज जर्नलिज्म में तो मतलब आई थिंक हम सबको ही अलग अलग तरीके का, इनफैक्ट फिजिकली भी, मतलब अगर आप इंटरनेशनली भी कवर कर रहे हो और फोटो खींचने जा रहे हो, मतलब एपी के लिए मैं फोटो खींचने जाती हूँ, इंटरनेशनली फोटो खींचती हूँ, आधे घंटे में आपको ऑल इन, मतलब वो इंटरनेशनली वायर होती है, उसमें भी मेल फोटोग्राफर विल होल्ड योर थाई, विल गेट ऑन यू, मतलब इट्स ऑल लाइव में बिल्कुल ऐसे कमर पे हाथ डाल सकते, इट्स वेरी फिजिकल इनफैक्ट, तो ऑल ऑफ दैट इज वेरी, मतलब इज इनरेजिंग, मतलब गुस्सा आने वाली चीज है, लेकिन उस टाइम पे तुम्हें अपनी फोटो चाहिए होती है, तो तुम धक्का मारते हो, तुम बोलते मैं अपनी फोटो उठाऊंगी पहले, क्योंकि तुम थोड़ी किसी, मतलब वहां पे आप लड़ाई नहीं कर सकते ना कि तुम मेरे थाई पे हाथ रख के क्यों उठ रहे हो, ये सब चीजें तुम नहीं कर पाते हो। दूसरी चीज ये भी कि आई थिंक इंटरनली भी, आई थिंक मैन ऑफ द कम्युनिटी, मेरे भी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें मैन विल नॉट शेक योर हैंड, कि नो मैन और मैन हम तुम्हारा हाथ, मतलब तो आपको फील होता है एकदम से कि ये मेरे साथ अनटचेबिलिटी हुई है, अभी यू रियलाइज दैट दिस इज, यू नो, समबडी जस्ट ट्रीटेड मी लाइक एन अनटचेबल, and you realize, or irrespective of wo sakte wo aadmi koi bhi community ka ho, so this happened with a Dalit man, by the way, but wo ekdam se you realize that, you know, because I'm human, I'm female bodies hain hamare sath waise, matlab ya to they will sexually abuse you or they will be like, oh, we don't touch women, we don't shake hands with women, to ye sab aapko generally day to day lives mein reporting karte hue, reporting na karte hue bhi experience karna padta hai, jo अदरवाइज आई थिंक हमारी सेक्सुअलिटीज पे, हमारी पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ाई जाती है लाइफ में, कि ओ ये, मतलब तो आई थिंक वो एक चीज है जो आई थिंक फीमेल जर्नलिस्ट को, स्पेशली फीमेल जर्नलिस्ट जो कम्युनिटी से आते हैं, हमारे ऑफिस में भी बोला जाता है कि वो दलित पत्रकार बनना चाहती है, एक्सट्रीमिस्ट है, सिर्फ दलित रेडिकल चीजें बोल रही है, तुम्हें और कुछ नहीं आता है, मतलब, एंड आई थिंक मीना के जो एक्सपीरियंसेस रहे थे बीबीसी में, आई थिंक मेरे बहुत सिमिलर इंस्टेंसेस रहे, आई वॉज लिटरली, मतलब सिद्धेश वाली हेल्प मी आउट दैट टाइम, क्योंकि मैं आई वाज लिटरली, मतलब मुझे मतलब आई हैव टू टेक मेडिसिन बिकॉज़ आई वाज डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन, आपको मतलब आप भी डिप्रेशन में थे, एंटी डिप्रेशन, हां, मतलब आपको ऐसा एहसास दिलाने जाते कि आप सही चीज नहीं बोल रहे हो, आपके आइडियाज ठीक नहीं है, आपकी स्किल्स ठीक नहीं है, तो आई थिंक वो चीज, वो पैट्रियार्की और कास्ट सुप्रीमेसी दोनों एक साथ प्ले आउट करती है उन सिनेरियोज में, जो आई थिंक इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग एज वुमेन जर्नलिस्ट फ्रॉम द दलित कम्युनिटी, वी ट्राई टू सपोर्ट ईच अदर बिकॉज़ वी नो हाउ हार्ड इट इज, जो हमें बाकी सपोर्ट किसी और कम्युनिटी से ना मिले या किसी और लोगों से ना मिले, हम कोशिश करते हैं कि आपस में वो दे पाए, मतलब दलित फीमेल और जर्नलिस्ट कठिन काम है, देखिए गाली तो किस पे बनी है, दलितों पे बनी है, महिलाओं पे बनी है, और हम तो दोनों ढांचे में फिट हो रहे हैं ना, तो आसान है हमें तो गाली देना, हमें तो रेप ट्रीट देना बहुत आसान है, और एक चीज मैं ये कहूंगी कि जिस तरह का हम लोग काम करते हैं, एक्चुअली मैं किसी भी पार्टी को ना सपोर्ट नहीं करती, चाहे कोई भी पार्टी हो, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे वहां पर दिखना पड़ेगा कि मैं एक पत्रकार हूँ, अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करूंगी तो मैं बायस हो जाऊंगी, तो फिर तो गोदी मीडिया भी वही काम कर रहा है ना, फिर हम उसको क्यों गाली दें, वो भी तो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं वो काम नहीं करती, तो इसमें भी लोग मुझे गाली देते कि देखो इस पार्टी को नहीं दिखा रही, इस पार्टी को क्यों दिखा रही है, इस पार्टी का ये नहीं कर रही, उस पार्टी का क्यों कर रही है, अरे भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, पहले मैं जर्नलिस्ट हूँ, फिर भले ही मैं अंदर से भले ही किसी और को सपोर्ट करूँ, किसी पार्टी को सपोर्ट करूँ, वो मेरा इंडिविजुअल है, ठीक है, लेकिन मैं एज अ जर्नलिस्ट मुझे वो दिखाना होगा जो मेरे समाज में, जो मेरी सोसाइटी को जरूरत है, और जो मेरे एथिक्स कहते हैं, जो जर्नलिज्म के एथिक्स कहते हैं, मुझे वो दिखाना होगा, लेकिन वो लोगों को बर्दाश्त ही नहीं है, तो थोड़ा सा उनको सीखना भी चाहिए ना कि जर्नलिस्ट एक पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आया है भाई, फिर तो हम गोदी मीडिया क्यों, गोदी मीडिया को गाली दे रहे ना, वो भी तो वही कर रहा है जो हम चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हो, तो फिर वो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो जो अच्छा काम करेगा हम उसको भी दिखा रहे हैं, जो बुरा काम करेगा हम उसको भी दिखा रहे हैं, तो हम तो दिखा ही रहे हैं ना, उसमें आप क्यों गाली दे रहे हो। एक और पॉइंट आई थिंक हम लोग सबको ही, आई थिंक हमारे पास कोई भी वुमन दलित कम्युनिटी की, ओबीसी कम्युनिटी, कोई भी वुमेन जो हमको रीच आउट करती है, हम उनको हेल्प करने का कोशिश ही करते हैं हमारे एंड पे, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो हम बताते हैं कैसे करना है, जर्नलिज्म पढ़ना है कैसे करना है, ये चीजें पढ़ो, ये करो, हाँ एंट्रेंस एग्जाम दो, बेस्ट कॉलेज में जाओ, मतलब हम लोग अपनी एंड से बहुत कोशिश करते हैं, हमें पता है कि आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं, मतलब हमें एज अ दलित वुमेन, वी नोबडी हेल्प अस, नोबडी टोल्ड अस व्हाट पाथ टू टेक, मतलब इवेंचुअली आप अगर मतलब अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी जा रहे हो, देयर इज नो, मतलब इतना अजीब तरह से सटली अब्यूज जो होता है, आई थिंक हमारे साथ, वो बहुत ही सटल पेट्रियार्की, बहुत ही सटल
कास्टिज्म वो डील करने के लिए भी यू नीड ईच अदर सपोर्ट. तो हम लोग भी बैचलर लिंग में भी सपोर्ट अदर वुमन, वी ट्राई टू टेल देम कौन से एग्जाम्स दो, कौन सा ये भरो, फॉर्म भरो, तो वो सब चीजें भी हम मतलब वी ट्राई टू डू ऑल ऑफ दैट बिकॉज़ नोबडी इज देयर टू सपोर्ट अस. आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे नोबडी एल्स अंडरस्टैंड्स आल्सो, इट इज ओनली अस दैट हम लोग आपस में ही एक दूसरे को फिर सपोर्ट करने लगते हैं कि कैसे हम एक दूसरे का कंधा बनते हैं. ऐसे है कि जैसे अंबेडकर भी कहते हैं, जैसे कि जो पुरुष प्रधान संस्कृति जो कह रहे हैं देश में, लेकिन जो अपने आप को अंबेडकराइट कहता है, तो मेरे अनुभव तो ऐसे है कि जो अपने आप को ज्यादा अंबेडकराइट कहता है या फिर ये मानता है, वो सबसे ज्यादा महिलाओं को जो है सार्वजनिक जीवन में आने से रोकता है, सामाजिक जीवन में आने से रोकता है. मतलब वो चाहता है, मतलब वो बताता है अपने बातों में, मतलब बखान करेगा कि महिला सशक्तिकरण की बखान होगी, महिला को ताकतवर बनाने की बखान होगी. लेकिन जब उसकी बारी आती है, उसकी बेटी की बारी आती है या उसकी बहन की बारी आती है, उसकी पत्नी की बारी आती है, तो वो जो है वो जो अपने कदम है वो पीछे ले लेता है. और ये सारी चीजें हमारे समाज में उन लोगों में दिख रही है जो अपने पढ़े लिखे अपने आप को कह रहे हैं हम इंटेलेक्चुअल हैं, सोशल हैं, काफी काम करते हैं सामाजिक जीवन में, उनका अच्छा खासा नाम है. इतना ही नहीं, मेरे अनुभव तो सामाजिक जीवन में ही नहीं राजनीतिक जीवन में भी रहे, क्योंकि मैं राजनीतिक प्लेटफॉर्म से आकर अभी मैंने बैकफुट पर आ गया, तो उसमें भी जैसे कि मैं पार्टी का नाम भी लेना चाहूंगी, बहुजन समाज पार्टी है, नेता आपकी महिला है, लेकिन वहीं पर जब महिला काम करेगी तो वहीं जो लोग है सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं वही लोग पचा नहीं पाते हैं कि कोई महिला नेता, अरे यार महिला नेता के नीचे सेक्टर बनाना है, बूथ बनाना है, महिला नेता. तो आपके जो बीएसपी की जो मेन लीडर है वो भी फीमेल ही है ना? वो भी फीमेल है, लेकिन फिर भी ये चीजें होती है. तो इसका मतलब हमें हमारा मनु सिस्टम जो है वो अंबेडकराइट में भी हो गया है, तभी वो ऐसा कह सकते हैं कि वो अंबेडकराइट बनाम मनु सिस्टम के लिए काम कर रहा है. और ये चीजें उन लोगों में है जो अपने आप को क्वालिफाइड अंबेडकराइट कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन के सिपाही कहते हैं, तो ये भी बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये बदलाव नहीं होगा, स्वीकार नहीं कर रहे हैं आप महिला नेता को, और देश के अंदर भी वही हो रहा है, महिला नेता को स्वीकार नहीं कर रहा. और ये मुझे लग रहा है ये जो आज दिख रहा है हमें, जो दिख रहा है ना फॉल डाउन, ये भी इसी का एक नतीजा है कि अरे हम कैसे मानेंगे, उनका आदेश मानना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी होगा, आदेश कुछ और होगा, काम कुछ और होगा, ये चीजें भी होती है. और ये छोटे हम जो लोकल क्षेत्र में देखते हैं वहां पर भी होता है, सामाजिक जीवन में भी होता है, सामाजिक संगठन बनते हैं उसमें भी महिलाओं को जो है जो सामने किया जाता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग का अधिकार उनको नहीं है. जब हम गांव देहात में जाते हैं तो महिला की जो रिजर्व सीटें होती है, तो रिजर्व सीटें पर महिला जो है चुनकर आ जाएगी, लेकिन वो अपने पति से पूछेगी कल क्या करना है, या साइन कहाँ करना है, क्या बोलना है. या फिर कई बार तो ऐसी भी महिलाएं हम देखे हैं हमारे क्षेत्रों में, तो वहां पर महिलाएं जो है वो ग्राम पंचायत का मुंह भी नहीं देखती है, पंचायत समिति का मुंह भी नहीं देखती है, उसका पति ही सारा काम निपटा देता है बस, लेकिन कौन है सरपंच, तो फलानी महिला है, लेकिन महिला का नाम नहीं बताएंगे. जब हम पहुंचेंगे कौन है, तो महिला राखी है सरपंच, लेकिन जब हमसे मिलने आएंगे तो उनके हस्बैंड मिलने, अब मैं सरपंच हूँ, अरे राखी तो महिला थी भाई तुम्हारे गाँव में, तो हाँ हमारी पत्नी है लेकिन हम ही संभालते हैं. तो ये चीजें भी हो रही है, तो ये चीजें तो चलो गांव देहात में पढ़े लिखे लोग मिशन मूवमेंट नहीं मालूम उनके लिए, फुले शाह बाबा साहब नहीं मालूम, लेकिन जिन्हें मालूम है वहां पर भी हो रही, तो काफी शोकांतिका ये दिन तमाम चीजों से लड़ना तो है और कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने जितना आपके लिए किया है, इनके लिए किया है, इनके लिए किया, हमारे लिए भी किया है, तो हमारा काम तो है कि हम तो कंट्रीब्यूट करेंगे भाई, उसके लिए अब हमको लड़ाई लड़नी पड़े, संघर्ष करना पड़े, अब जो भी है थप्पड़ उप्पड़ भी लगाना पड़ते लगा देंगे. मतलब अब ये सोचिए कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो ऑलरेडी अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद जो उनकी महिला हैं वो अपने ही लोगों से अपने ही हस्बैंड से लड़ाई लड़ रही हैं. यहाँ जितने भी बैठे हैं उसमें भी कहीं कहीं लड़ रहे हैं, आपको ग्रो होने में इन दोनों में सबसे ज्यादा दिक्कत किसे किसे लड़ना है? ऑब्वियसली पैट्रियार्की, क्योंकि बचपन से हम लोग बहुत बाद में समझे हैं, जैसा हम लोग भी कोशिश करते हैं, बिकॉज वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कास्ट मुद्दा रहे, और इसलिए हम लोग कास्ट मुद्दा रहे इसलिए हम लोग भी अपनी बातें उतनी नहीं बोलते, बट अदरवाइज पेट्रियार्की हमें बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है, आई थिंक मोर देन कास्ट ऑल्सो. स्नेहा कुछ कहना चाहिए?
नहीं मेरा भी सहमत हूँ मैं भी, मेरा भी यही अनुभव है कि पितृसत्ताक पद्धति से हम ज्यादा ग्रस्त है, क्योंकि सामाजिक जीवन में जब आए तो हमें पता था कि हमारा दुश्मन जो है वो जातिवाद है, हमें पता था कि वर्णा सिस्टम से हमें लड़ना है, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे ही पुरुषों के साथ भी हमें कभी ना कभी जो है दो बात करनी पड़ेगी या फिर उनसे लड़ना पड़ेगा। मैम अभी आपने राहुल गांधी जी का इंटरव्यू लिया था, लिटरली बहुत शानदार इंटरव्यू था, लेकिन कुछ लोग आपको ट्विटर फेसबुक पे ट्रोल कर रहे थे, तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि यूट्यूबर और जर्नलिस्ट में फर्क क्या है प्लीज। जर्नलिस्ट अगर होगा तो सारे पैमानों पे बात करेगा, जितने भी उसमें उसमें जितने भी फैक्टर हैं कोई भी स्टोरी को लेके वो सब पे बात करेगा। यूट्यूबर्स अगर कोशिश करे तो वो हो जाएगा कि सभी से बात करे, जैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं तो मैंने क्या कोशिश करी कि मैंने अंजुल से भी बात करी है, यहाँ पे जितने लोग शामिल हुए उन सबसे भी बात करी है, ठीक है, और क्या कहते हैं जो यहाँ के हैं खेड़े सब्जी है, सारे गलत नाम दे रही हूँ तो ठीक है, तो उनसे भी बात करें, तो सभी से अगर बात आ जाए तो वो स्टोरी मुकम्मल मानी जाती है, कोई कोई भी स्टोरी। तो यूट्यूबर से भी है कि सिर्फ एक पक्ष ना दिखाए, एक पक्ष क्या होगा तो वो एक तरफा हो जाएगा, तो दूसरी तरफा तो आपने सुना ही नहीं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आपने दूसरा पहलू तो देखा ही नहीं, तो कैसे वो स्टोरी मुकम्मल होगी। तो ये बहुत ही बारीक सा फर्क है, इसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और आई थिंक एक चीज ऐड करना चाहूंगी, बस जर्नलिज्म में ना हम लोग को दोनों साइड से खींचा जाता है, अगर आप मेन स्ट्रीम या इंटरनेशनल मीडिया में काम करो, तुम हमारे इश्यूज नहीं लिख रहे हो, तुम हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम हम अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो दूसरी चीज ये कि मतलब तो वो तो बाकी लोग बोलेंगे तुम ये नहीं लिख रहे हो, ऑफिस में हमें बोला जाता है तुम सारे दलित इश्यूज के बारे में बोल रहे हो, तुम सिर्फ यही टॉपिक्स ला रहे हो, तुम सिर्फ यही बोल रहे हो, तो हम लोग को अपने इंडिविजुअल मतलब अपने इंडिविजुअली ब्रेन यूज करके जो हमें लगता है टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, हमें वो एजेंसी भी होनी चाहिए कि हम ये अभी हमें लगता है ये हाँ ये इम्पोर्टेंट है और हम वो लेंस से करना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर मूक नायक को अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई स्टोरी अगर आप देखेंगे तो देखिएगा उसमें सभी तरह के एंगल होते हैं, कई बार होता है कि कई सारे लोग बात नहीं करते तो हम स्टोरी में वो भी डाल देते हैं कि हमने तो कोशिश की सामने वाले ने बात नहीं की। इंटरव्यू होना बात अलग है, मान लीजिए अगर आप किसी का मैसेज भूमिका का इंटरव्यू ले रहे हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर हम कोई स्टोरी करें तो कोशिश कीजिए कि उसमें सभी तरह के एंगल आ जाए। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।